हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉली यो में। दोस्तों यहाँ आपको बता दूँ कि घर के अंदर काफ़ी बड़ा घमासान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दूँ कि यहाँ पे एक जो काफ़ी कम बोलते हैं, समझ समझ के बोलते हैं कंटेस्टेंट, मैं बात कर रहा हूँ उमर रियाज की। दोस्तों उमर रियाज एक काफ़ी समझदार और स्मार्ट प्लेयर के तौर पे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं। वो तब ही बोलते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है बोलने की। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि उमर रियाज को प्रतीक सहजपाल पे गुस्सा आ गया है और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनसे लड़ते हुए और बहस करते हुए नज़र आए। जहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि किसको कौन सा ड्यूटी असाइन होना है, वहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि प्रतीक सहजपाल का अलग ही लफड़ा चल रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो मैं कर रहा था पहले से, मैं वही करता रहूँगा, या इन लोगों को वो करना चाहिए जो ये लोग पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको फिर से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हर एक वीक में आप चेंज करोगे, कोई कंफर्ट पे कोई डिसकंफर्ट में रहेगा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद उमर बोलते हैं भाई तू मत सिखा, यहाँ पे जिस तरह से जो चल रहा है उसको चलने दे, और इस सभी चीज़ों को और घुमा करके टेढ़ा मत कर, जो है ठीक है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।